हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। और इसके अलावा गाइस, यार सुनो, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का, ठीक है? तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि इस महीने का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसी वजह से आप लोगों की थोड़ी हेल्प भी होगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के सरो हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पर अजोर के ऊपर अर्धदिव्यों की जो भी नई सफलता होती थी वो बड़ी मुश्किल हो जाया करती थी, लेकिन जब से अब विपिन को यहाँ पर भगवान चरित्र मिल चुका है, तो भगवान चरित्र के साथ में वो आराम से यहाँ पर अर्धदिव्यों की पूरी तरह से फौज खड़ी कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर मिठाई बटी नहीं थी कि उससे पहले ही यहाँ पर उसको खाने के लिए पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से आ गए थे। हाँ, इस वक्त यहाँ पर वो लोग बात कर रहे हैं होल मास्टर सेक के बारे में। अरे अगर होल मास्टर सेक यहाँ पर आते हैं और उनसे वह असफलता से उनसे लड़ने में लगते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर देखते ही देखते वह लोग इतिहास बनकर रह जाएंगे, उनके ऊपर नाम छप जाएगा, अज्योर इज स्किप, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर सभी सभी है ना पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उन सभी के पास में केवल एक ही चारा बचा हुआ था, वह चारा था यहाँ पर विपिन को एक देवता यानी कि भगवान बनाने का। अगर विपिन यहाँ पर भगवान ना बना तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। सभी सभी शांति से ये सोच रहे थे कि आखिरकार अब वह यहाँ पर और ज्यादा दिव्य एनर्जी कहाँ से लेकर आ सकते थे। अरे भाई, आखिरकार अगर दिव्य एनर्जी नहीं हुई तो वो लोग कैसे यहाँ पर एक सफलता हासिल करवा सकते थे। उसी वक्त एक मिनट रुको, मेरे पास में एक तरीका है। उसके साथ में इस सख्त दिमाग का चालक से ड्यूब लाइट जैसे जब झपकने लगता है। क्या 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 आइडिया है, क्या आप यहाँ पर बताएंगी? उसके साथ में सभी सभी ईशा को देखने लगते हैं भूखे भेड़ की तरह, जैसे कि यहाँ पर वह उसको चबा चबा कर खा जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर अंतरिक्ष के जो ध्वस्त शहर है उसके अंदर जाना होगा, और उसके अंदर जो पतन की हवा का केंद्र है हमें उसको ढूंढना होगा। तो जैसे क्या पतन की हवा का वह केंद्र, क्या आप पागल वागल हो गई हैं? जैसे यहाँ पर विपिन ने वह शब्द सुने तो उसके साथ में उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। अरे भाई, आखिरकार पिछली बार विपिन वहाँ पर गया था जब जाकर उसको पता चला था कि यहाँ पर पतन की हवा कितनी ज्यादा खतरनाक थी। वह तो यहाँ पर शुक्र मनाओ कि विपिन के पास में चिकन सूप पड़ा हुआ था। अगर चिकन सूप उसके पास में नहीं होता तो उसके बाद में उसकी तो वहीं पर ही खटिया खड़ी हो जाती। आखिरकार उसने देखा था कि वह जो एनर्जी थी वह कितनी ज्यादा खतरनाक थी। स्वर्ग की एनर्जी भी उसको यहाँ पर है ना बिल्कुल दबाने में असमर्थ थी। तो उसके बाद में कोई भी ये बता सकता था कि वास्तव में उस एनर्जी का सामना ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ईशा यहाँ पर ये कह रही है कि वहाँ जाओ और खुद की गर्दन यहाँ पर कटवा कर आओ। आखिरकार ये कहना क्या चाहती थी? तो वहीं दूसरी तरफ ईशा उन सभी को समझाते हुए कहती है और वो बताती है, देखो मैं आप सभी को बताती हूँ कि आखिरकार माजरा क्या है, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि किंवदंतियों के हिसाब से कहानियों के अंदर ये बताया गया है कि ये जो अंतरिक्ष का ढहा हुआ शहर है ना, ये हमारे अजोर का एक हिस्सा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर ये आकाश की तरफ से गिरा हुआ एक शहर था जिसको इस जगह पर गिरा दिया गया था, और इसके नीचे बहुत सारे भगवानों की यहाँ पर लाशें दबी पड़ी है जो वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर ईशा ने वह शब्द कहे तो उसके साथ में क्या आप मजाक कर रही हैं? सभी सभी हैरान होकर उसको ही देखने लगते हैं। क्या आप वास्तव में ये कह रही है कि ये जो अंतरिक्ष का ढहा हुआ शहर है ये यहाँ पर एक आकाश से गिरा हुआ शहर माना जाता है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन भी पूरी तरह से स्तब्ध रह चुका था। उसने कभी भी ये नहीं सुना था कि आखिरकार ये क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहीं उन सभी के दबाव के नीचे आकर ईशा यहाँ पर थोड़ी सी चुप हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरे अरे क्या हुआ, आप आगे गो ना, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा कहना शुरू करती है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे है ना इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। मैंने भी इसके बारे में ज्यादा पता लगाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जो आत्म भगवान है ना उन्होंने मुझे यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर ये जो अंतरिक्ष का शहर है ना ये ऊपर से गिरा हुआ एक शहर है जिसको यहाँ पर गिरा दिया गया है। क्या क्या कह रहे हो? वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि आत्मा भगवान कोई और नहीं था, वो उसकी प्रेमिका प्रत्युषा ही थी। तो ईशा उन्हें आगे बताती है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि आत्मा भगवान ने मुझे ये बताया था कि ये शहर नीचे गिरा हुआ है और इसके बाद में इसके ऊपर बहुत सारे भगवान रहा करते थे, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वह लोग वहीं पर ही दब गए और उनकी वहीं पर ही कब्र खुद गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पतन की हवा है ना वो उनके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर वो दूषित होते गए वैसे वैसे यहाँ पर ये पतन की हवा बनती गई।
क्या इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है? जो ये पतन की हवा बनी है या यहाँ पर उन भगवानों के खून से बनी है? जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके बाद में उसके पास में यहाँ पर जो वह एक बोतल थी जिसके अंदर वह पतन की हवाओं को भरा हुआ था, वह उसको बाहर निकालता है और उनसे कहता है, क्या ये भी वास्तव में एक दिव्य एनर्जी है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? विपिन ने यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया था। उसको ऐसा लगा था कि केवल ये एक पतन की हवा है जिसको यहाँ पर वह लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे किसी को कट लगता वैसे यहाँ पर वह जाकर उसकी चिपक जाया करती थी। तो वही ईसा कहती है, हाँ हाँ ये जो पतन की हवा है ना, ये भी उन्हीं से बना हुआ है। वह सारी सारी एनर्जी मिलकर इस पतन की हवा को जन्म दे रही है। इसी वजह से तो यहाँ पर जब भी वहाँ पर कोई जाता है ना, तो उसके बाद में उनका बचना वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से बहुत से जने गए थे उसके अंदर, लेकिन आज तक कोई भी बाहर निकल कर नहीं आ पाया। ईशा ने उन सभी को ऐसा बताया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन सा कहता है, मुझे यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर विश्वास है। अगर यहाँ पर प्रत्युषा ने ये सब कुछ कहा है तो उसके बाद में वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। बात कुछ ऐसी है, विपिन ये जानता था कि आखिरकार प्रत्युषा कोई भी ऐसे शब्द बिना फालतू नहीं फेंक सकती थी। आखिरकार प्रत्युषा हमेशा यहाँ पर एक ना एक चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क देकर ही बताया करती थी। विपिन की भी तो वहाँ पर उसने मदद की थी जब वो यहाँ तक बढ़ पाने में कामयाब हो पाया था। तो इसी वजह से यहाँ पर उसको ये भी यकीन था कि जो प्रत्युषा ने अभी भी ये शब्द कहे ना, वो भी वास्तव में ठीक हो सकते थे। चलो ठीक है, फिर तय हो गया। उसके बाद विपिन सारी बातें सुनता है और उसके साथ में उन सभी से कहता है, मैं और ईशा जा रहे हैं अंतरिक्ष के ढहे हुए शहर के अंदर, और रही आप सभी की बात, तो आप सभी को यहीं पर ही रहना होगा और सारी चीजों की तैयारी यहाँ पर करके रखनी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वहाँ पर क्या पता हमें वो चीज ना मिले और हम असफल हो जाएं, तो उसके बाद में हमें पहले से यहाँ पर तैयार रहना होगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पर कभी भी वह होल मास्टर शेख यहाँ पर आ जाए और हमारे ऊपर दावा बोल दे। ठीक है टीचर। वहीं दूसरी तरफ गौतम आगे बढ़ता है और उनसे कहता है और वो बताता है, ठीक है अगर आप यहाँ पर जा ही रहे हैं तो अपना ध्यान रखना और यहाँ की चिंता ना करें, यहाँ पर हम सबको यहाँ पर संभाल सकते हैं। यहाँ पर गौतम की आंखों के अंदर दृढ़ से दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या टीचर ये कहाँ से टीचर बन गया? गौतम आपने अभी भी यहाँ पर विपिन को टीचर कहा? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ यहाँ पर हम लोगों ने टीचर मान लिया है विपिन को, वो अब से हमारे टीचर हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजू और देवी अपना सर हिलाते हैं, हाँ हाँ अब से यहाँ पर जो संप्रदाय नेता विपिन है ना, वो हमारे टीचर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ईशा उनकी वो बातें सुनती है तो उसके साथ में उसी दिल के ऊपर जोरदार पत्थर आन गिरता है। हा? ये कैसे हो सकता है? वो ये जानती थी कि यहाँ पर ये तीन के तीन है ना अजोर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हस्तियां थे। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर एक बच्चे के सामने इस तरह से अपने आप को सबमिट कर सकते थे? तो वहीं दूसरी तरफ वहीं ईशा को ऐसा बोलते हुए देखकर विपिन कहा, अच्छा आपको अगर बुरा बुरा लग रहा हो और आपको इसके यहाँ पर कोई आपत्ति वगैरह नहीं होना, तो आप ईशा एक काम कर सकते हैं कि आप भी मेरे स्टूडेंट बन जाइए, विपिन उससे साफ साफ लफ्जों के अंदर उससे कह देता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन सोच रहा था कि अगर वो उसको भी अपना स्टूडेंट बना लेता है तो क्या पता यहाँ पर उसके लिए भी एक पेज बनकर बाहर आ सकता था। विपिन को वैसे भी उसकी बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली थी। है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ ईशा साफ साफ उसको मना कर देती है। उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गई हो। वह कहती है, मुझे माफ करना लेकिन आपका ये जो चीजें है ना ये अच्छी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर किसी को अपना टीचर नहीं बनाना चाहती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना सर हिला देता है, अच्छा ऐसा है चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसके बाद में वह सबसे वो सारी बातें कर वहां से निकल जाते हैं। अगले पल अब वह लोग यहाँ पर सीधे अंतरिक्ष शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। विपिन की तेजी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से उसने ईशा को अपनी जैकी के अंदर भरकर रखा हुआ था, क्योंकि अगर वो ईशा को पीछे छोड़कर भाग गया तो उसके बाद में ईशा को आने में पता नहीं कितना समय यहाँ पर लग सकता था। पिछली बार जब विपिन वहां पर गया था तो उसको एक से दो दिन लगे थे, लेकिन जल्द ही ये वहां पर पहुंच जाता है और उसको वहां पर पहुंचने में केवल 3 ही घंटे लगते हैं। आखिरकार यहाँ पर वो पहले से अर्धदिव्य के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था और यहाँ पर कोई उसका मुकाबला करने वाला था ही नहीं, तो इसी वजह से वो बड़ी आरामी से वहां पर जला गया। उसके बाद में वो दोनों जल्दी से फिर से उसी अंतरिक्ष शहर के अंदर चले जाते हैं और विपिन उन्हीं कदमों का पीछा करते करते आखिरकार वहां पहुंच गया था जहां पर वो पिछली बार ज्योति को बचाते हुए मिला था, और वहां जाकर यहां पर आसपास के अंदर वह चीजें ढूंढने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा कहती है कि हम लोग यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन हमें यहाँ का केंद्र ढूंढना होगा। केंद्र ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पता नहीं कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी जगह कहाँ पर हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन ने
अपनी उंगली आगे की और कहा, ठीक है हम लोग उस तरफ चलते हैं। उसके बाद में वह दोनों अब आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए विपिन के आसपास में जितने भी वह पतन के राक्षस बाहर निकलकर आ रहे थे, वह उन सभी को यहाँ पर ठिकाने लगाते जा रहा था। अब विपिन के लिए वह सभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनकर रह चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ईशा पीछे चल रही थी ना, वो बेचारी तो यहाँ पर पूरी तरह से सदमे के अंदर जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर किसी पल उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। वह सारा दृश्य देखने के बाद में आखिरकार ये पतन के सभी बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनसे निपटना कोई इतना ज्यादा आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी विपिन यहाँ पर बड़ी आराम के साथ में इन सभी से लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर ये लोग उसके सामने कुछ थे ही नहीं। ईशा को ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह तो है ना छोटी बच्ची है, और वो उसके पीछे पीछे चलकर यहाँ पर उसका ही पीछे बच्चों जैसे हरकतें कर रही है। कुछ दूर जाने के बाद में ईशा कहती है, संप्रदाय नेता विपिन रुक जाइए, हम लोग ऐसे इधर उधर नहीं बटा सकते हैं। हमें यहाँ पर बिल्कुल एक लोकेशन ढूंढनी होगी जहाँ पर वो पतन की हवा का जो केंद्र है वो हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है मेरे पास में एक आइडिया है। उसके बाद में विपिन जल्दी से अपने क्लोन को बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ, क्या आपका क्लोन? वहीं ईशा जैसे उसको देखती है तो उसके साथ वह हैरान रह जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को अब यहाँ पर किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अज्योर के अंदर तो किसी को भी नहीं थी, वो यहाँ पर आराम से सुदूर होकर फिर सकता था। तो इसी वजह से क्लोन का सबको बताना इतनी जड़ी बात नहीं रह गई थी। तो वहीं ईशा उससे पूछती है, लेकिन अब आप यहाँ पर क्लोन का क्या करने वाले हैं? ईशा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर का पतन की हवा और क्लोन का यहाँ पर क्या ही था। तो वहीं दूसरी तरफ, अब क्या है यहाँ पर, तुमने मेरे को क्यों बुलाया? क्लोन यहाँ पर गुस्से के साथ में कहता है। तो विपिन एक मुस्कान के साथ में उसको देखने लगता है। तो क्लोन कहता है, हिम्मत भी मत करना, ना 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 ना, हिम्मत भी मत करना। तुमने पहले भी मेरा बहुत सारा खून निकाल दिया है बाहर, अगर अब यहाँ पर तुमने फिर से किया ना तो मैं तुम्हारा टुकड़े कर दूंगा। तो उससे पहले यहाँ पर जिससे पहले क्लोन अपनी बात पूरी कर पाता कि उसकी कलाई के ऊपर एक कट लग चुका था। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता, हरे हरे बस बस, हम लोग इसी बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद में क्लोन यहाँ पर अपने हाथ को आगे रखता है, जैसे ऐसा करता है कि पतन की हवा आसपास से आना शुरू हो गई थी। तो वहीं विपिन कहता है, देखो यहाँ पर ये पतन की हवा जिस डायरेक्शन से ज्यादा आएगी ना, उसके साथ में हम लोगों को पता चल जाएगा कि वह केंद्रीय बिंदु कहाँ से है जहाँ से ये पतन की हवा बाहर आ रही है। जैसे ईशा वहाँ पर वह शब्द सुनती है तो वह हैरान रह जाती है। हाँ यह आइडिया अच्छा है, लेकिन हालांकि इस जगह पर पतन की हवा इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हम यहाँ पर साफ साफ पता लगा सके। तो विपिन कहता है, इसकी चिंता मत करो। आईओफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए विपिन जल्दी से उस तरफ देखने लगता है जहाँ से पतन की हवा आ रही थी। उसके बाद विपिन एक तरफ इशारा करता है, उस तरफ चलो। उसके बाद में जल्द ही ईशा और वह दोनों एक तरफ जाने लगते हैं। वह यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे पतन की हवा का पीछा करते करते। तो वहीं दूसरी तरफ जब जब क्लोन के वह घाव पूरी तरह ठीक हो जाया करते थे, तो विपिन यहाँ पर उसके ऊपर हर बार एक कट लगाया करता था। तो वहीं अब क्लोन का सर फटने लायक हो चुका था। 8 बार उसके हाथ के ऊपर कट लगा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर क्लोन के असहनीय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह कभी भी विपिन के ऊपर फट पड़ेगा। अब नहीं, अब अगर तुमने फिर से मेरे ऊपर कट लगाया ना, तो मैं आज तुम्हें यहीं पर ही अपना मास्टर ना समझते हुए गाड़ दूंगा, क्लोन ने उसे धाड़ते हुए कहा। तो विपिन कहता है, बस बस, अब मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपने सामने इशारा करता है। तो उसके बाद में उनके सामने एक बड़ा सा खंडर बना हुआ मंदिर जैसा यहाँ पर एक घर आ चुका था। वह घर बहुत ज्यादा ही विशाल था। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर वो पूरी तरह से खंडर बन चुका था।